तो दोस्तों 25 बाय 50 फीट के प्लॉट साइज में और नॉर्थ फेसिंग का अगर आप हाउस प्लान देखें तो इससे अच्छी वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिल सकती। आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आप इस प्लान को बिना डाउनलोड किए रह नहीं सकते। और दोस्तों हमने 25 बाय 50 फीट की जो सीरीज है हमने उसको शुरू कर दिया है। ये नॉर्थ फेसिंग की वीडियो है, इसके बाद इसकी ईस्ट वेस्ट और साउथ फेसिंग की वीडियो भी आएंगी। और दोस्तों अगर आपको इस प्लान की और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के हाउस प्लान का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर स्टूडियोज चैनल को, मैं हूं आपका अपना आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या, और दोस्तों जो हाउस की फ्रंट फसाड है इसके अंदर आपको पेंट, टाइल और HPL शीट और WPC शीट्स का ज़्यादा यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं आपको हाउस के फ्रंट में थोड़ा ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना कोई भी टू व्हीलर आप यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं। तो इसके बाद आप हाउस का पार्किंग एरिया देख सकते हैं, इसका साइज 9 फिट बाय 17 फिट का है अप्रोक्स, और जो इनके साइजेस हैं वो आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। और दोस्तों ये एंट्रेंस आपके हाउस में आपके गेस्ट के लिए है, आप देख सकते हैं ये है आपके हाउस का ड्राइंग रूम एरिया और इसका साइज आपका 14 बाय 11 फिट का है। और दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, इसका साइज 18 फीट 6 इंच बाय 14 फीट और 6 इंच का है। आप देख सकते हैं जो आपका लिविंग एरिया है वो आपको यहाँ पर डबल हाइट में मिल जाता है, बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आप हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर आपकी एक पर्सनल एंट्रेंस देखने को मिल जाती है जो आपके हाउस के पार्किंग एरिया से आती है, और इसी के साइड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा पूजा यूनिट देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद आप इसका डबल हाइट का एरिया देख सकते हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए आप सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का मॉड्यूलर किचन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सामने एक आपको यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर देखने को मिल जाएगा, और जो ये किचन है इसका साइज आपका 9 बाय 11 फीट और 6 इंच का अप्रोक्सीमेटली है। और दोस्तों आपको इस किचन के बैक साइड में आपको यहाँ पर एक OTS देखने को मिल जाएगा जो आपके हाउस की अच्छी वेंटिलेशन के लिए है, और आपको यहाँ पर हाउस का यूटिलिटी एरिया देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं हाउस के बेडरूम नंबर 1 की तरफ, इसका साइज आपका 14 बाय 10 फीट का है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छी वार्डरोब देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर एक ड्रेसिंग यूनिट भी देखने को मिल जाता है, बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। और आपको इसी के साथ अटैच यहाँ पर एक टॉयलेट देखने को मिल जाता है, तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं। ये है इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट, और इसका साइज आपका 10 फीट बाय 5 फीट और 6 इंच का है। तो इसके बाद दोस्तों आप स्टेयर के नीचे का एरिया देख सकते हैं, आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोस्तों ये है हैंड वॉश के लिए आपकी यहाँ पर वैनिटी। और दोस्तों अगर आप इसी के साइड में देखें तो आपको यहाँ पर हाउस का जो पाउडर रूम एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसका साइज आपका 4 फीट 3 इंच बाय 6 फीट का है, जो कि इनफ है। और दोस्तों आपको यहाँ पर पाउडर रूम से एक और डोर देखने को मिल जाता है जो हमारे हाउस का OTS की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं यही हमारे अंदर वाले अटैच टॉयलेट और कॉमन टॉयलेट की वेंटिलेशन करेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम स्टेयर से होते हुए
हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं, आपको ऊपर भी एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पर पैसेज के लिए एक अच्छा ब्रिज देखने को मिल जाता है और इसका साइज आपका 4 फीट 3 इंच वाइड है। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद आपको हाउस का सेकंड बेडरूम दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम। इसका साइज आपका 14x11 फिट का है। आप देख सकते हैं आपको अच्छी वार्डरोब और एक साइड में आपको ड्रेसिंग यूनिट और अटैच टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका साइज आपका 4 फिट 3 इंच x10 फिट का है। और दोस्तों आपको हाउस के फ्रंट में अच्छी आपको यहाँ पर एक बालकनी देखने को मिल जाएगी। अगर हम हाउस के फ्रंट फसाद की बात करें तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। तो आइए चलिए इसके बाद हम हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो हम एंटर करते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम में। इसका साइज आपका 9x11x6 इंच का है अप्रॉक्स। अगर दोस्तों हम इस बेडरूम के पीछे देखें तो आपको यहाँ पर रियर बालकनी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं आप इसका ओवरऑल व्यू और जो हमारा OTS का भी काम करेगी। और दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। आपको सेम ग्राउंड फ्लोर का जो फर्स्ट बेडरूम था ऊपर आपको वो ये फोर्थ बेडरूम देखने को मिल रहा है। इसका इंटीरियर डिजाइनिंग थोड़ा अलग है और बाकी जो हमारा सेम नीचे का ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट हमने ऊपर यूज किया है। आपको अटैच टॉयलेट मिल जाएगा बट इसका जो टॉयलेट है वो आपको कॉमन यूज में भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के सेकंड फ्लोर यानी हमारे हाउस के टेरिस एरिया की तरफ चलते हैं। तो आपको ऊपर जो हाउस की ममटी है आपको इसके दो डोर देखने को मिल जाएंगे, जो एक तो हमारे हाउस के रियर साइड में खुलता है और एक हाउस के जो फ्रंट साइड में खुलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको हमने यहाँ पर अच्छा जो प्लांटेशन करके दिया है, अच्छा आपको यहाँ पर टेरिस पर गार्डन देखने को मिल जाएगा और जो OTS वगैरह है उनके व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप दोस्तों आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो इस हाउस प्लान के डाउनलोड लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं हम एक और अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।